Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूं रिम्पी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद रिम में। तो आज मैं आप सभी के साथ बंगाली ब्राइडल लुक शेयर करने वाली हूं, वो भी एक मॉडल को बुलाकर। तो ये जो बंगाली लुक होगा ये कैसा होगा नहीं होगा, आप लोग प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो के बाद ना आप लोगों को मेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मैं हर एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ। जी हाँ, जितना भी मेकअप प्रोडक्ट्स है वो सारे मैंने शो किए हुए हैं, तो आप घर बैठे भी मेकअप सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जा करके फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बिना किसी बकबक बढ़ते हैं वीडियो के तरफ, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के तरफ और स्टार्ट करते हैं मेकअप विदाउट एनी बकबक। तो गाइज, ये रही मॉडल, और मॉडल को आप देख सकते हो कि स्किन कैसा है, स्किन का टेक्सचर कैसा है, डार्क सर्कल है, सब कुछ देख सकते हो। तो आइए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे स्किन मिस्ट। आप देख सकते हो ये रिकोड का विटामिन सी मिस्ट है। हम लोग को स्किन पे मिस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्किन को वो हाइड्रेट रखता है। इसके बाद देना है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के जगह हम लोग वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र देंगे, क्योंकि ये हमारे स्किन पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग PAC का एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र। इसकी प्राइस लगभग 800 या 900 के आसपास है। तो बहुत ही अच्छी तरह से पूरे फेस पे और नेक एरिया पे स्प्रेड करेंगे। फिर हम लोग लेंगे प्राइमर, और प्राइमर में हमने यूज़ किया है कलर बार का प्राइमर और एल्फ का प्राइमर, दोनों को मिक्स करके यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा है, यू कैन यूज़ ऑल्सो। और हमें इसे ओपन पोर्स एरिया वगैरह में ही ज़्यादातर ब्लेंड करना है अच्छे से, और जितने भी ओपन पोर्स एरिया है लाइक नोज़ एरिया, नोज़ के साइड का एरिया, चेक एरिया, आइज़ के नीचे का एरिया और फॉरहेड एरिया, तो ये सारे एरिया पे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। आफ्टर दैट हम लोगों को स्टार्ट करना है आईब्रो से, क्योंकि हम लोग पहले आईब्रो ही सेट करेंगे, उसके बाद फिर वो ख़राब होते हैं, उस पर फाउंडेशन लगते हैं, तो फिर से उसको सेट कर सकते हैं। तो हम लोग आईब्रो सेट करने के बाद आईज़ को कंसील करेंगे। आईज़ को कंसील करने के लिए मैंने यहाँ पे PAC का कंसीलर लिया है, लाइट शेड है ये, तो ये शेड मैंने यूज़ करा है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं आईब्रो की डिटेलिंग कर रही हूँ कि आईब्रो बहुत ही अच्छा दिखे। तो इस तरह से आप लोगों को भी डिटेलिंग करना है। डिटेलिंग करने के बाद उसे बहुत ही अच्छी तरह से आईज़ पे ब्लेंड करना है, जिससे कि जितने भी ब्लैक ब्लैक करके आईज़ के ऊपर धब्बे टाइप के होते हैं ना हमारे आईज़ पे, तो वो ख़त्म हो जाए, डार्क सर्कल ना दिखे। उसके बाद करेंगे बेकिंग। तो पाउडर लगाएंगे, जैसे ही हम लोग कंसीलर या फिर फाउंडेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करते हैं ना, तो पाउडर से बेक करना होता है। तो हम लोगों ने बेक किया। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे लाइट ब्राउन शेड। हम लोग स्टार्टिंग हमेशा आउटर कॉर्नर से करते हैं, और आउटर कॉर्नर से करने के बाद हमेशा लाइट शेड से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि डायरेक्ट डार्क शेड का आई शेडो ना लगाएं, बहुत ही मिस्टेक हो जाएगा आप लोगों से, बहुत ही गंदा लुक आएगा। तो हम लोगों को पहले लाइट शेड से ही स्टार्ट करना है। तो पहले मैंने लाइट ब्राउन लिया था, आफ्टर दैट मैंने मरून लिया था, मरून और थोड़ा ब्राउन का कॉम्बिनेशन था वो कलर, तो वो कलर मैंने लिया था। और इसके बाद हम लोगों को करना है हाफ़ कट क्रीज़। तो हाफ़ कट क्रीज़ करते ही आप देख रहे हो मैं किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, तो उसको उसी तरह से ब्लेंड करना है। ओवर ब्लेंड भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा ही ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद हम लोगों को लेना है पिंक कलर, और ज़्यादा डार्क पिंक भी नहीं लेंगे, थोड़ा सा लाइट ही लेंगे। तो पिंक कलर दे करके जो वो लाइन पड़ा है ना हाफ़ कट क्रीज के पास में, उसको ब्लेंड करेंगे। तो लाइट पिंक कलर से ही ब्लेंड करेंगे। लाइट पिंक कलर देने के बाद जब वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, आपको दिखने लगे कि हाँ ये पिंक कलर आ चुका है, इसके बाद हम लोगों को देना है ऑरेंज शेड। तो यहाँ पे मैं बंगाली लुक कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आईज़ को जो है ना पॉपअप दिखाने के लिए मैंने पिंक का यूज़ करा है। पिंक यूज़ करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर, और यहाँ पे ऑरेंज कलर को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। एज़ यू कैन सी गाइज, मैं कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग एक काम करना, मैं किस तरह से अपने हाथ को ऑपरेट कर रही हूँ ना, आप लोग इस चीज़ पे प्लीज़ और प्लीज़ ध्यान देना
क्योंकि हाथों का ही कमाल इसमें कमाल कर जाता है। आपको हाथ बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेट करना है। यदि आप किसी भी तरह से रगड़ दे रहे हैं बस कलर उठा के, और ज़्यादा कलर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम थोड़े थोड़े करके कलर लेना है और उसे आँखों पर अप्लाई करना है। और इसके बाद हम लोग देंगे येलो कलर। तो येलो हम लोग इनर कॉर्नर पर दे रहे हैं, वो ना आईज़ को बहुत ही ज़्यादा पॉपअप दिखाता है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोग ने एक लाइंस दिया, मैंने एक लाइंस दिया, बहुत ही अच्छा आईज़ को एकदम इन्हांस करा था। फिर हम लोगों को देना है यहाँ पे ग्लिटर्स। ग्लिटर कहते हैं हम लोग ऐसा शिमर को, ग्लिटर अलग होता है, यहाँ पे मैंने शिमर लगाया हुआ है, एकदम मिनी पार्टिकल्स में वो शाइन करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम लोगों को करना है स्किन कंसील। तो मैं यहाँ पे दो कलर का कंसीलर मिला के पूरे स्किन पे बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है मैंने, ठीक है। तो पूरे अच्छी तरह से क्यों ब्लेंड करना है, क्योंकि वो फटे ना, टाइम लेकर के आपको ब्लेंड करना है, ये नहीं कि एकदम उड़ते उड़ते कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ही टाइम लेकर के ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना Forever 52 का फाउंडेशन फेयर शेड, क्योंकि लड़की गोरी थी तो मैं फेयर शेड और थोड़ा सा मीडियम शेड मिक्स करके मैंने करा है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग आईज़ को कंसील करेंगे। आप लोग एक चीज़ का ध्यान देना, ब्लेंडर जो है बहुत ज़ोर से डैब नहीं करना स्किन पे, वरना वो जितने लेयर आपने लगाया है ना वो लेकर के ब्लेंडर पे उठ के आ जाएगा। तो आप जितने हल्के हाथों से ब्लेंड कर सकते हैं उतने हल्के हाथों से ब्लेंड करें। जब पूरे फेस पे ब्लेंड हो जाए ना तो फिर हम लोगों को कंसीलर ब्लेंड करना है। आप लोग देख पाए ना कि मैं किस तरह से कंसीलर को लगाई हूँ, आप लोग अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जो लोग ट्राई किए हो ना प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना कि ये आपका वर्क है। और पूरे फेस पे पाउडर लगा देने के बाद, ये थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर है क्योंकि बेकिंग करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर का ज़रूरत पड़ता है, तो हो गया। उसके बाद मैंने लगाया काजल और फिर लोअर लैश लाइन स्मच किया। और इसके बाद मैं कर रही हूँ कंटोर। तो कंटोर किस एरिया में कर रही हूँ ये आप लोग देख पा रहे हो, जॉ लाइन एरिया पे भी करना है और चिक बोन के थोड़ा सा नीचे भी कंटोर करना है। कंटोर करने के बाद हम लोगों को करना है ब्लश, और ब्लश तो गाइज मेरा फेवरेट पार्ट है, ब्लश लगाना मुझे बहुत 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 पसंद है। तो ब्लश तो मैं बहुत भर भर के तो नहीं लगाती, इतना लगाती हूँ कि जितना अच्छा लगे। आप लोग भी लगाती होगे, लगाते होगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा रही हूँ पिंक हाइलाइटर। तो पिंक हाइलाइटर मेरा फेवरेट पार्ट है ब्राइड में, तो पिंक हाइलाइटर लगाना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि पिंक हाइलाइटर का ग्लो बहुत 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 अच्छा है। अगर आप लोग को जानना है वो कौन सा हाइलाइटर है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद मैं एले गर्ल का मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ जो कि रोज़ गोल्ड शेड का है। तो रोज़ गोल्ड शेड का मैं फिक्सर लगाई हूँ, आप देख सकते हो कि स्किन का ग्लो कितना अच्छा है। फिर मैं डार्क पिंक शेड में इनको लिपस्टिक लगाई हूँ। तो गाइस कैसा लगा ज़रूर देख, ये रहा मेरी ब्राइड का लुक। तो आप लोग ये लुक देखो और देख करके कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को लुक कैसा लगा। और यहाँ पे ये फ़ोटो शूट करा रही थी तो मैंने वीडियो शूट करा है, तो फ़ोटो शूट का ये थोड़ा उसका फ़ोटो शूट चल रहा है। तो आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। सो गाइज, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया या नहीं आया प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं आप लोगों को बार बार याद दिला देती हूँ कि मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना जाए यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरे वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टाटा।